अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप लोगों को मौलवी क्लास के उर्दू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 90 तक पढ़ा दिया है। अब आज से हम आपको पढ़ाएंगे उर्दू में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको 2 नंबर 3 नंबर के आते हैं, जो आपको लिखना पड़ता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत कामयाब की वीडियो साबित होगी। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब और कहां हुई। इसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव में देख कर पूछता है, यहां आपसे सब्जेक्टिव में आपसे लिखवाएगा। रटना होगा कि 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई, 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 2, उनके उर्दू रसाला का नाम क्या था और ये कब से शाया होना शुरू हुआ। जवाब है, उनके उर्दू रसाला का नाम तहजीबुल अखलाक था, जो अक्टूबर 1817 में शाया हुआ। ठीक है, देखते हैं। सवाल नंबर 3 में, अलीगढ़ में कायम होने वाले उनके मदरसा का क्या नाम था, ये मदरसा कब कायम हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब, मदरसतुल उलूम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, स्कूल की बुनियाद 1875 में डाली गई थी, जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने डाला था। ठीक है, अब देखते हैं। सवाल नंबर 4 में, 1857 के गदर के मुतालिक लिखी हुई उनकी किताब का नाम क्या है। सही जवाब, असबाब बगावत। जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सवाल नंबर 5 में है, गालिब ने उर्दू खतूत नवेसी किया है 1857 के बाद शुरू किया, कौन सी किया, यानी कब शुरू किया। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने उर्दू खतूत नवेसी 1846 से शुरू कर दी थी। सवाल नंबर 6 में, गालिब किस शहर में पैदा हुए, जो आपके 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जवाब है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को आगरा शहर में हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 7 में, गालिब के खतूत के 2 मजमुओं का नाम बताइए। जवाब होगा कि मिर्ज़ा गालिब की उर्दू खतूत के 2 मजमुए हैं, उर्द हिंदी उर्दू मोहल्ला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएंगे और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। देखते हैं। सवाल नंबर 8 में, मिर्ज़ा गालिब ने समर नौरस किसको कहा है। जवाब, मिर्ज़ा गालिब ने समर नौरस अलाउद्दीन खान अलावी को कहा है। सवाल नंबर 9 में है, अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश और मौत की तारीखें बताइए। अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश और मौत की तारीखें बताइए। तो याद रखिएगा, अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहाँपुर यूपी में हुई थी। ये उसका जवाब हो गया कि 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहाँपुर में हुई थी। देखते हैं सवाल नंबर, और उसी में है कि 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका ये हो जाता है और उनकी फांसी यानी इंतकाल उनका ये हो जाता है। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, खुशबू अफसाना किसने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुशबू अफसाना किसने लिखा था। जवाब होगा, गजल जेगम साहबा ने खुशबू अफसाना लिखा था। ठीक है, देखते हैं। सवाल नंबर 11 में, किस अफसाने मजमू से खुशबू अखज किया गया है। जवाब, अफसाना खुशबू गजाल जेगम के अफसाने मजमू एक टुकड़ा धूप का, इससे माखूज लिया गया है। सवाल नंबर 12 में है, यह अफसाना किस जबान में लिखा गया था। यह अफसाना मलयाली जबान में लिखा गया था। सवाल नंबर 13 देखते हैं, तक्षी शिवशंकर पल्ले कब और कहाँ पैदा हुए, उनकी 2 किताबों का नाम बताइए। तक्षशंकर पल्ले की पैदाइश 17 अप्रैल 1912 को एलप्पी केरल गांव में हुई थी। उनकी 2 मशहूर किताबें हैं, धर्म निधु और एनी पेडिकल। ठीक है, उनकी 2 किताबें हैं। सवाल नंबर 14 में, सैयद हामिद कहाँ पैदा हुए और कब। सैयद हामिद की पैदाइश 7 जनवरी 1920 को फैज़ाबाद में हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर 15 में है, उनकी यानी सैयद हामिद की मशहूर तसनीफ का नाम क्या है। उर्दू में आजमाइश की घड़ी उनकी मशहूर बहुत तसनीफ यह है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, मजमून से लतीफ में सहर व जखार किसको कहा गया है। जवाब, बहर जखार से मुराद
ज़खीरों का समुंदर नहीं बल्कि ये वसी अरीज़ दुनिया है जहाँ वजूद अशरफुल मखलूक़ात की शक्ल में हुआ है, ये उसका जवाब हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 17 में इस्लाहुन नेसा की मुसन्नफ़ा का ताल्लुक किस ज़माने से है। जवाब, इस्लाहुन नेसा के मुसन्नफ़ा मोहतरमा रशीदुन नेसा का ताल्लुक 19वीं सदी के अवाखिर में रहा है। सवाल नंबर 18 में है इस्लाहुन नेसा का सनेशात क्या है, यानी कि इस्लाहुन नेसा कब लिखी गई है। जवाब है, इस्लाहुन नेसा का नाविल का सनेशात 1894 है। तो सवाल 19 में तालाब के पानी में जहर किसने घोला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालाब के पानी में जहर किसने घोला था। जवाब, तालाब के पानी में जहर मगरमच्छ जालिम हुक्मरान गाजियों ने खोला था। सवाल नंबर 20 में है ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम क्या है, खालिक कहते हैं कि लिखने वाले का नाम। ड्रामा अनारकली के तख्लीक कार का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज है, इम्तियाज़ अली ताज है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में इम्तियाज़ अली ताज के अलावा 5 दिगर ड्रामा नगारों के नाम लिखिए। तो एक में है आगा हशर कश्मीरी, दो में हबीब तनवीर, तीन में है सैयद आबिद हुसैन और 4 में है शायद हसन मंटू और 5 में राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है ये स्टूडेंट, मैं आपको 40 क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो में और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 दूंगा, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है इंशाल्लाह इम्तिहान में, इसके अलावा क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं। सवाल नंबर 22 में है कि शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था, शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था। ये स्टूडेंट, तो शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम था जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन अकबर। सवाल नंबर 23 में है दिल आराम कौन थी, दिल आराम कौन थी। दिलाराम अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नज़र कनीज थी, मंजूर नज़र कनीज थी। ठीक है, अनारकली से पहले। सवाल नंबर 24 में है किसने कहा अनारकली का हुक और वो हमारा सलीम बन जाएगा। रानी ने कहा, किसने कहा, रानी ने कहा कि उसे अनारकली को ले लेने दीजिए, वो अपनी बेगम बना ले अनारकली का होकर हमारा सलीम बन जाएगा। ठीक है, अनारकली का असल नाम क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनारकली का असल नाम क्या था, अनारकली का असल नाम मेहरुन्नेसा था, क्या था, मेहरुन्नेसा था। जेस्टवान सवाल नंबर 26 में है अहमद जमल पाशा कब और कहां पैदा हुए। सही जवाब, अहमद जमल पाशा की पैदाइश 1929 में खुल आबाद एक मोहल्ला है उसी में इनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर देखते हैं 27 में अहमद जमल पाशा की वफात कब और कहाँ हुई। 28 सितंबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल पटना में हो गया। ठीक है, और दफन कहाँ किया गया, तो उनको दफन सिवान में किया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है। तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम शेख वली मोहम्मद उर्फ नज़ीर अकबर आबादी है। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 29 देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए। तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1735 में दिल्ली में हुई। जी स्टूडेंट, आपसे छोटी गुजारिश है कि आप अपने फ़ायदे के तहत अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्तिहान तक जितनी वीडियो अपलोड करूँगा तब आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह हम आपको वीडियो दे रहे हैं उर्दू का और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, फिर उसमें खुलासे भी आएंगे वो भी आपको देंगे। और दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, दिनियात सोम तीनों दे दिया गया है। पर्शियन भी वीडियो बना दिया गया है। इंशाल्लाह सोशल साइंस की वीडियो हम बना रहे हैं और साथ में आपको हिंदी के वीडियो भी हम बनाएंगे। चलिए, तो सवाल नंबर 30 में है दिल्ली पर नादिर शाह का हमला कब हुआ, दिल्ली पर नादिर शाह का हमला कब हुआ। सही जवाब, 1739 को दिल्ली पर दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ। सवाल नंबर 31 में हाली के पूरा नाम क्या है, हाली का पूरा नाम अल्ताफ हुसैन हाली और तखल्लुस क्या है, हाली था। देखते हैं सवाल नंबर 32 में हाली कहाँ पैदा हुए। जी स्टूडेंट, हाली कहाँ पैदा हुए, तो हाली के बारे में जवाब दीजिएगा कि हाली की पैदाइश 1837 को पानीपत में हुई। कहाँ हुई है, पानीपत में। सवाल नंबर देखते हैं 33 में जावेद के नाम और फूल किसकी लिखी हुई नज़में है, जावेद के नाम और फूल किसकी लिखी हुई नज़में है। जवाब, मस्कूरा दोनों नज़में अल्लामा इकबाल की है, किसकी, अल्लामा इकबाल की है। जावेद के नाम और फूल ये दोनों नज़में किसकी है, अल्लामा इकबाल साहब की है। सवाल नंबर 34 में है कि रज़ा नकवी वाही का ताल्लुक किस सूबे से था। जवाब है, रज़ा नकवी वाही का ताल्लुक सूबे बिहार के ज़िले सारण से था, ज़िले सारण से था। देखते हैं सवाल नंबर 35 में
नौ नूर चश्म किसको कहा जाता है, नूर चश्म किसे कहा जाता है, तो नूर चश्म का लफ्जी माना आँख की रोशनी, लेकिन इसलाह आम में इससे मुराद जो कि लायक और बासलाहियत हो, यानी जो बिल्कुल दिल को बहाने वाला हो, अच्छा हो, उसको नूर चश्म कहा जाता है। सवाल नंबर देखते हैं, 36 में शादी का भूत किसके ऊपर सवार था, तो शादी का भूत बाप के ऊपर सवार था। देखते हैं सवाल नंबर 37 में, सफ़ेद रात किसकी नजम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है नीचे, सफ़ेद रात किसकी नजम है, जवाब है सफ़ेद रात नजम आलोक धानु की नजम है, ठीक है। सवाल नंबर 38 में है, ये नजम किस जबान से लिखी है, ये तर्जुमा शुदा हिंदी नजम से है, किसे है, हिंदी नजम से है। देखते हैं सवाल नंबर 39 और उसके बाद सवाल नंबर 40, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में हम आपको 41 से 80 तक क्वेश्चन देंगे, जो कि इस दो वीडियो में आपका मुकम्मल कवर हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन उर्दू का। और इससे पहले हमने तीन वीडियो बना दिया है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर आपने तीनों और दो पाँच वीडियो का आपने देख लिया, इंशाल्लाह आपको फिर किताब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सवाल नंबर 39 में, आग हवा पानी खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, सही जवाब मिट्टी को, सही जवाब मिट्टी को। सवाल नंबर 40 है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है, सही जवाब मिट्टी के साथ दुनिया क्या गया है, उसको अपने पांव से रौंदती है, जो कि ये गलत चीज़ है। तो जी स्टूडेंट इतना ही रहा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के, यानी कि 41 से लेकर के 80 तक, तब तक के इंतज़ार कीजिए, अल्लाह हाफिज़।